मेट्रो में निकलेंगे बंपर पदों पे भर्ती। दोस्तों अगर आप भी मेट्रो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी मेट्रो के किसी भी शहर में, जैसे लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल 142 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 नवंबर से आप स्टार्ट हो गए अब अंदर, और 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट चलेगा आवेदन। जनरल और ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो इनके लिए 590 रुपये फीस रखी गई है। वहीं अगर एससी एसटी की अगर हम बात कर लेते, तो उनके लिए 236 रुपये फीस रखी गई है। तो एससी एसटी वाले इसे ज़रूर अप्लाई करें। और मैं आपको एज बता देता था, 21 साल से लेकर, यानी कि एज है इसके अंदर 21 साल से लेकर 28 साल आपके हैं, तो आप इसके लिए आवेदन आने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ओबीसी और एससी एसटी को, जैसे ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 सालों का छूट मिलेगा, तो आप इनसे 28 से 5 और जोड़, यानी कि 32 साल तक भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फॉर्म मैं फिल करके बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, 3 डॉट 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ नीचे देख सकते हैं करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक करियर ऑप्शन मिलेगा। करियर थोड़ा ये देखिए आप, यहाँ पे करियर ऑप्शन मिलेगा। इस करियर ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, रिसोर्स के ऊपर नहीं, करियर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे और सारे ऑप्शन मिले, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट 2022, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वेलकम टू यूपी MRC यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट 2022 के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप पहले कर चुके हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पे डिटेल आपको बताई गई है कि आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और 12 दिसंबर से या 24 दिसंबर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए मैं आपको क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा, 100% कंप्लीट होने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड आएगा, इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको वो पोस्ट चुन लेना है। एलिजिबल हैं जो कम से कम BSc किए हैं या BA किए हैं या CA यानी कि BCom किए हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। और BA मतलब BA और BTech या डिप्लोमा वाले होल्डर ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं खाली। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पद सेलेक्ट कर लिया है, अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट या असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोलर एडिटर, यानी बहुत सारे यहाँ पे पद खाली हैं, जिसके अंदर लखनऊ में आप किसी भी शहर से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस शहर से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने ऑफिस असिस्टेंट जो कि बैचलर डिग्री इसमें मांगी जा रही, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको पोस्ट कोड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आपको नाम भरना है, वो भी हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम भरना चाहिए। अगर आपके नाम में कोई भी गड़बड़ी आती है तो फाइनल सबमिट करने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान है कि मार्कशीट के हिसाब से ही आपको नाम भरना है, मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे महीना सेलेक्ट कर लेता हूँ दिसंबर, और यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एज कैलकुलेट करके बताता है कि आप कितने साल के हैं। तो यहाँ पे 23 साल 10 महीने का, 12 दिन का हो चुका हूँ। यहाँ पे अब नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ भर देना है, वही मोबाइल नंबर दोबारा आपको यहाँ भरना है। मोबाइल नंबर वही भरना जो आपके पास एक्टिव है, जिसे आप चलाते हो हमेशा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और फिर वही ईमेल आईडी आपको दोबारा दर्ज करनी है। फिर आपको दर्ज करने के बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। चलिए मैं फिल करता हूँ। OTP के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके देखिए यहाँ पर ये कैप्चा भरना पड़ेगा, कैप्चा मैं भर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यानी इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पर आपको क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपको सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर काइंडली OTP आपको भरना पड़ेगा पहले। देखिए मेरा OTP यहाँ पे आ चुका है, अब इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको OTP भर देना है, OTP भरने के बाद आपको वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा, OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे आना, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है। यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद आपको
रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब नीचे देखिए आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे पूरा आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस सब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे आपको ओके कर देना, यानी कि इस बटन के ऊपर आपको ओके कर देना। चलिए मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा एक बार, अब इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट मॉडिफाई। ओके करने के बाद जो भी गलती है अभी सुधार कर सकते हैं, बाद में आप इसे नहीं सुधार पाएंगे, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर भेज दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली हो गया है। अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके कोड आ जाएगा, यहाँ पे अपने जो कोड सेलेक्ट किया वो आ जाएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका सफलतापूर्वक हो चुका है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ये सारी डिटेल सफलतापूर्वक हो चुका है रजिस्ट्रेशन। ये आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब इसे आप लॉगिन कर सकते हैं आप दोस्तों। अब आप चाहें तो यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ चुका है, तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहीं से आप गो टू एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ से भर सकते हैं, चाहे तो आप इसे लॉगआउट कर सकते हैं, बाद में फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो चलिए मैं अभी लॉगिन करके भर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट अभी एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसे बाद में करना चाहते हैं तो आप यहाँ लॉगआउट पर क्लिक कर देंगे, आप इसे बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सफलतापूर्वक आ चुका है आपके पास। तो चलिए मैं अभी लॉगिन करके भरता हूँ पूरा फॉर्म। जब गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक दोबारा लोडिंग लेने लगेगा आपके मोबाइल में। यहाँ पे 100% कंप्लीट होने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका रेड कलर का है उसे आपको भरना जरूरी है, बाकी जो रेड कलर का नहीं उसे आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आफ्टर लॉगिन के बाद क्रेडेंशियल ऑफ द रिसीव योर ईमेल आईडी पे आपका पेमेंट और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट आपको रजिस्टर करना है। और चलिए यहाँ पे देखिए मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल डिटेल भरनी है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल भरना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको करना है। मेरा पहले से ही आ गया है पोस्ट कोड और जो मैंने पोस्ट के सिलेक्शन किया है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम सेंटर 3 चुन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप 3 एग्ज़ाम यानी 1, 2, 3। चलिए मैं सबसे पहले ऊपर चुन लेता हूँ, यहाँ पे चॉइस 1 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर। चलिए मैं गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहला, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ। यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है दूसरा एग्ज़ाम सेंटर। अब दूसरा एग्ज़ाम सेंटर मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा एग्ज़ाम सेंटर मैं कानपुर में सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप इसी तरीके से यूपी के किसी भी शहर में आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू यूपी एमआरसी रेगुलर एम्प्लॉय, क्या इसके कर्मचारी हैं। तो मैं तो इसका कर्मचारी रेगुलर नहीं हूँ, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा कि आर यू ए डोमेशियल इन उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अप्लाइड फॉर, यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जनरल से हैं कि आप एस सी एस टी वो किससे हैं। आपको बताना पड़ेगा अपनी कास्ट सर। इसलिए मैं अप्लाई करूँ, वहाँ पे बहुत ही कम पोस्ट है, तो यहाँ पे केवल जनरल के लिए पोस्ट खाली। आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आप अपने हिसाब से पोस्ट चुन सकते हैं। यहाँ पे केवल जनरल का ही पद खाली है। और यहाँ से आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करना कि आप मेल है कि फीमेल है। तो मैं मेल हूँ, मेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। भर लिया। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है सक्सेसफुली। अब इसके ऊपर आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना मटेरियल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड, तो आपको अनमैरिड पे क्लिक कर देना है कि मेरी शादी अभी नहीं हुई। यहाँ अपने पिताजी का नाम भरेंगे, फिर माताजी का नाम भरेंगे, फिर आपको यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन। उसके बाद से आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर आपको दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑटोमेटिक आप इसे दूसरा भरना चाहते हैं मेरा डी, तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आपको सेव इंडेक्स बटन पे क्लिक कर देना है। नंबर पे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको क्या भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस में आप जहाँ रहते हैं वो अपना परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस का मतलब आप जहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस भर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो मैं करस्पॉन्डेंट एड्रेस भर देता हूँ। फिर आपको परमानेंट एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको परमानेंट एड्रेस है कि तो आप यस करेंगे तो आपको नीचे भरना नहीं पड़ेगा। आपको दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री, तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से आते हैं। तो यहाँ पर सभी राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं यूपी से हूँ तो ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड, यानी पोस्टल कोड, हम जिसे पिन कोड बोलते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से अब देख दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने पिन कोड भर दिया। अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका सेम एड्रेस है, तो आपको यस कर देना। यस करने के बाद आपको नीचे आपको अपना एड्रेस भरना नहीं पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी सिटी अभी भरे नहीं है इसलिए ऐसा बताया।
इसलिए ऐसा मैसेज शो हो रहा था। चलिए मैं सिटी भर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपसे डाटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपने डिग्री भर दी है कि आपने डिग्री क्या किया है, तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर या 4 ईयर, देखिए अगर आप चलिए मैं भर के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्लास 10th का यूपी बोर्ड सेलेक्ट करना, फिर आपने कब पास हुआ है मार्कशीट के ऊपर आपको लिखा होगा, फिर आपने स्कूल का नाम भर देना है, फिर आपको हिंदी इंग्लिश आपके विषय में जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, उसके बाद से आपने कितना परसेंटेज पाया है हाई स्कूल में, उसके बाद से आपको इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको वही भरना पड़ेगा, नेम ऑफ स्कूल, कब आप पास हुए हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, फिर सारे सब्जेक्ट का नाम, फिर आपके ने कितना मार्क्स पाया है यानी कितने परसेंट आपके हुए हैं जुड़ने के बाद। उसके बाद से यहाँ पे आपने अब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे, तो वहाँ पे अगर ITI मांग रहा है, डिप्लोमा मांग रहा है, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा। अगर आप BSc का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो BSc का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके स्कूल का नाम जब आपने पास हुआ है वो, और यहाँ पे आपको परसेंटेज परसेंटेज में ध्यान देना है कि आप OBC हैं तो 60% से अगर आपका नीचे है तो नहीं लेगा, SC हैं तो आपको 50% होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे 47% भरता हूँ, अभी देखिए नहीं लेगा, मिनिमम 60% होना चाहिए और मैंने 47% भरा है। तो जब तक मैं यहाँ 60% नहीं भरूँगा तब तक आगे की ओर बढ़ेगा नहीं फॉर्म। अब आपको ले लेंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको कैप्चा पहले अपनी सारी डिटेल चेक करनी है, चेक करने के बाद आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। दोस्तों चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब आपको डिटेल यानी कि डाटा अपने फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद से आपने जो भी डिटेल यहाँ भरी है उसका सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका 590 रुपये आ जाएगा क्योंकि मैं OBC हूँ, उसके बाद से GST भी साथ में आ जाएगा। उसके बाद से ये करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको नीचे ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इसमें बंद करके आपको सबसे पहले प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू सबमिट नहीं करना, सबमिट बाद में करेंगे, पहले प्रीव्यू करेंगे, कोई गलती तो नहीं हुई है। साइज़ वो 50 KB से लेके 80 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर की क्या साइज़ होनी चाहिए वहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ क्या होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज़ होगी वो 10 KB से लेके 30 KB के बीच में, JPG एंड JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। लोड हो गया सक्सेसफुली का, देखिए यहाँ पे टिक हो गया है, और फाइल आप रिसाइज ऐप से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए मैं सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए टिक का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे व्यू यानी चेक भी कर सकते हैं आपकी फाइल सही है गलत है। अब मैं सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर के ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से फाइल में आ जाएंगे, फाइल के बाद से यहाँ पे आ जाएंगे अपने रिसाइज फ़ोटोज़ में, सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर सही का टिक बन गया। जब तक सही का टिक ना बने तब तक आपको कुछ करना नहीं, उसके बाद से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे टिक कर दिया है, यहाँ पे ये कैप्चा भर के प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपका पूरा प्रीव्यू है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही होगी, आप स्क्रॉल करके सब कुछ चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको नीचे क्या दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके बटन पे क्लिक कर देना है, नीचे आपको ओके बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, पे क्लिक कर देना, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका SBI यानी कि पेमेंट के ऊपर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ से आप पेमेंट करने के लिए आपका गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, SBI का नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, यहाँ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में ज़्यादा पैसा लगते हैं इसलिए नेट बैंकिंग से आप पेमेंट मत कीजिएगा, आप UPI से पेमेंट कीजिएगा। तो नीचे ऑप्शन आता है UPI का, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में कुछ सारी गलतियाँ हैं, मैं आपको बाद में आई होप आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।